चैनल गेमिंग एमजी और आज हम यहाँ तबाही मचाने वाले हैं, तबाही। और अगर आपको इस तबाही ऐसी तबाही पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ना भूलिए और इसे लाइक भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि मैं माइनिंग करूँगा, सो मैंने थोड़ी सी माइनिंग करी क्योंकि माइनिंग से ही हमें आयरन मिलेगा। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी बहुत माइनिंग करी है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे मेरे से गलती से ये प्लेस हो गया है। और जो माइनिंग से मुझे आइटम्स मिले हैं तो वो मैंने ये ऊपर यहाँ पे बैरक में रख दिए मैंने। और फिर अब यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि कोयला इतना है, 2 टॉर्चेस हैं। अब बस मैं ये सोच रहा हूँ कि आयरन जैसे ही मिलेगा तो मैं अपने घर के पीछे फार्मिंग चालू कर दूँगा, फार्मिंग। सो अभी तो मैं सोच रहा था कि माइनिंग से ही चालू करूं, पर फार्मिंग बहुत टफ है मुझे पता चला है, क्योंकि ये बस है कि यहाँ पे ऐसा छोटा सा फार्म बनाने के लिए ही मुझे आयरन चाहिए रहेगा, सबसे पहले कोयला चाहिए रहेगा। कोयले से अपनी माइन में जाऊंगा, मैं माइन में वहाँ पे रोशनी लगाऊंगा वरना मॉब स्पॉन हो जाएंगे। सो फिर वहाँ से कोयले से मैं सबसे पहले अपनी माइन में घुसूंगा, फिर माइन से वहाँ से पता नहीं कितने नीचे से तो आयरन निकलेगा। फिर आयरन निकलने के बाद उसको पिघलाना पड़ेगा, उसके लिए पहले मुझे फर्नेस बनाना पड़ेगा, फिर फर्नेस जैसे ही बनेगा वो पिघल जाएगी, उसके बाद मुझे उसकी एक बकेट बनानी पड़ेगी, वो ईजी है, और उसके बाद ये फार्मिंग स्टार्ट होगी। सो ये बहुत टफ है फार्मिंग करना विदाउट एनी बकेट, बकेट के बिना हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप समुद्र के बाजू में करते हैं तो हो सकती है बस ये, बाकी तो कोई भी रीज़न नहीं है कि आप इसे बीच में कर सकें। सो ये देखिए मुझे थोड़ा बहुत रिसोर्स मिला था, मैंने आपको बता दिया होगा। और बस अब हम यहाँ से पिकैक्स लेके चालू करते हैं तबाही, फुल लॉन तबाही। सो अपने एम की तरफ डायरेक्ट बढ़ते हैं, बस हमें यहाँ पे पहले मरना चाहिए। मर जा, कैसे मरे, फूड सोर्स बिल्कुल भी नहीं है, पता चला हमें आयरन मिला और हम मर गए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अभी हम 2-3 दिन तो माइनिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही अगर हमारे पास आयरन या फिर उसकी पिकेक्स आ जाती है कोबल्ट की, तो थोड़ा मज़ा भी आता है माइनिंग करने में। सो यहाँ पे हम माइनिंग चालू कर चुके हैं, ऐसा आपको कुछ माइन करना है या माइनिंग कर रहे हैं, बहुत सही है ये माइनिंग। अब मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ, मैंने बताया भी आपको पिछली बार कि जॉम्बी वॉम्बी का डर नहीं रहता है, लोगों रिस्की बन जाते हैं, उन्हें स्पॉनर मिल जाता है उसके बीच में, माइनिंग के बीच में, और फिर उनके मेन रिसोर्स स्पॉनर के बाजू में रह जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ डायमंड की पिकेक्स से करो जिसमें Fortune 3 लगा है, और मुझे मिल गया एक जॉम्बी स्पॉनर, और मेरे पास हेल्थ कुछ इसी तरीके की थी, और मैंने सोचा था कि थोड़ा नीचे तक और कर लेता हूँ, पर पता चला जॉम्बी स्पॉनर मिल गया और मेरी पिकेक्स वही उठा के ले गए। तो यहाँ पे हम करते हैं, कोयला मिल चुका है वापस से, ऊपर भी बस 1-2 ब्लॉक कोयला मिला था हमें, सो हमने आपको दिखाया था वो, और थोड़ा सा हम वहाँ पहाड़ के ऊपर थे तो वहाँ पे भी मिल गया था, तो वहाँ से भी तोड़ लिया थोड़ा सा हमने वो पहाड़ के ऊपर, तो मैं आपको आज भी ले जाऊँगा, वहाँ पे पड़ा है मैं आपको दिखा दूँगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अंदर खोदे चले जा रहे हैं, पर अभी तक आयरन का नामो निशान तक नहीं मिला, उल्टा ये कॉबल्ट स्टोन बढ़ते चले जा रहे हैं, शायद एक स्टैक हो जाएगा और फिर भी कुछ हाथ नहीं आएगा। यह डेट्रॉइट करके एक रॉक आती है, वो आ चुकी है, बसेरा तो हमने बसा ही चुके हैं, हमने विलेजर्स को कैद कर चुका है जो हमें पैसे नहीं दे रहे थे पिछली बार, और यहाँ गोलम और ये सब जो उस फेंस के अंदर कैद थे क्रीपर के डिस्ट्रक्शन की वजह से सब भाग गए। ऐसा इसलिए हुआ कि मैं माइनिंग करने के लिए पेड़ तोड़ रहा था, उस फेंस के बाजू में ही थी वो पेड़, और एकदम से पीछे से क्रीपर आया और फट गया और वहाँ से सब भाग गए, बाहर आ गए। वो तो सही है, मेरे पास थोड़ी बहुत डर्ट पड़ी थी तो मैंने वहाँ पे शायद एक विलेजर वहाँ रह गया है वापस। सो यहाँ पे हमने दूसरी पिकेक्स लेनी पड़ेगी, ये सब पूरी मतलब आप देख लीजिए पूरा टूट चुका है, यहाँ पे पूरी तरीके से हमारी उम्मीद टूट चुकी है, हमारे कोऑर्डिनेट्स अभी नहीं है यहाँ पे, वो मुझे सीखने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट्स कैसे एक्टिवेट करूँ। और यहाँ पे जगह जगह पे हम ऐसे कर देते हैं ताकि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, हाँ मरना है हमें, खड़े रहते हैं थोड़ी सी देर मर जाएंगे। सो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, हो सकता है ऊपर जाते जाते जल्दी मर जाए,
हम ये सारा सामान सेव कर देते हैं। मेरे हिसाब से मरते मरते सोना कितना अच्छा रहेगा, सो के देखता हूँ। हमको भूख लग रही है और हम सो गए। वाश सो जाते हैं। अभी देख रहा हूँ एक दिल जाएगा हम उड़ जाएंगे। ये देखो उड़ गए। हम इसको पहले सेव कर देते हैं वरना गए जाएंगे तो यही सही। आधे दिल के सो जाते सो जाते सो जा सो जा सो जा दिल मत जा। उठ गए उठ गए उठ गए सो गए गाइस हम। सो बस 100% सो ही जाते तो अच्छा होता। बस हमें भी अब कैसे भी जाके किसी भी मॉप के सामने जाके अपना ये आधा दिल गंवाना है। वह घोड़ा भी मिल चुका है यहाँ पे हमें। ये बहुत जल्दी डिस्पॉन हो जाते हैं घोड़े। तो अभी हमारे पास सैडल नाम की चीज़ नहीं है। बस हम ये स्केलेटन सामने दिख रहा है इसे मरते हैं ताकि मार दे भाई मार दे। ऐसा लेंडर मर गए। यस एक्सपी का कोई भी झंझट नहीं होता है। सो हम यहाँ पर स्पॉन हो गए हैं। लकड़ियाँ ढूंढने के लिए हम फिर बाहर जा रहे हैं। इस बार क्रीपर हम नहीं चाहते कि क्रीपर नाम की चीज़ हमारे पीछे घुस जाए वरना उसको भी तबाही से तोड़ेंगे। ये देखिए यही तो वो फेंस है। गोलम शायद फिर से बुद्धू हमारा अंदर घुस गया। गोलम नहीं विलेजर नहीं गोलम फंसा है। सो यही तो बात है तबाही मचाने चलते खुद तबाह हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो गोलम बीड़ू है ना बहुत मारता है। सोई में भी इतना धोता है ना इतना धोता है जितना अपन कपड़ों को भी नहीं धोता ना वो अपन को इतना धोता है। पता नहीं कौन सा कद्दू लगा के बैठा हुआ है अपने मुंह पे। मेरे हाथ में तो कद्दू से ही बना था पूरा। नाम भी क्या आयरन गोलम पूरा आयरन से बना हुआ है। हम स्किन में हैं हमें मार रहा है। असली कैप्टन अमेरिका होते तो दो तीन धे भी देते उसे दो डालते उसे यहीं पे। अब बस यहीं पे हमें स्टिक्स बनानी है। ये हमारे पास है कोबाल्ट। अब हम यहाँ कोबाल्ट पहला कोबाल्ट का औजार बनाने वाले हैं। सो यहाँ पे ये दो बनाई हमने 8 स्टिक्स और यहाँ पे हम पिकेक्स देख सकते हैं ये क्योंकि हमें माइनिंग बहुत अंदर तक करनी है। और कोयले के लिए भी हम बना लेते हैं। और ये फैंस ने हमें ये बनानी थी। बहुत सारी स्टिक्स बना ली हमने ये। और अब हम बना लेते हैं अपने टॉर्चेस। सो यहाँ पे हम टॉर्चेस बना लेते हैं। टॉर्चेस कहाँ है ये 16 बार टॉर्चेस बनेगी और चार 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 मतलब एक स्टैक टॉर्च बन जाएगी मेरे हिसाब से। यस गाइस करेक्ट एक स्टैक बन चुकी है यहाँ पे जो हमें चाहिए था। यहाँ शील्ड बनानी है हमें नेक्स्ट। बस हमें आयरन मिल जाए हम अंदर घुसने देखते हैं आयरन मिलता है कि नहीं। पहले ये तोड़ देते वरना ये हमारी मुसीबत बन जाएगा। अभी फ्यूचर में एंडरवैन या फिर ऐसा कोई भयानक गोलम ही हमारे पीछे पड़ गया संकी गोलम नाम की चीज़। सो यहाँ पे हम तेज़ी से खोद पा रहे हैं। ये कोबाल्ट स्टोन अलग है मेरे सबसे। ये कोबाल्ट स्टोन ही ये प्योर कोबाल्ट स्टोन है। ये पहले स्टोन थे। ये डेट्रॉइट आ गया यहाँ पे। बहुत सही चल रहे हैं यहाँ पे। और शायद ही हमें नहीं अभी मुझे लग रहा था आयरन मिल सकता है हमें अभी। बस इसको नीचे खोदना है। और आप ऐसा मत खोदिएगा आप जैसे इस ब्लॉक के ऊपर ही खड़े और यहीं से ऐसे खोद रहे हैं ऐसे मत खोदिएगा क्योंकि इससे बहुत चांसेस होती है कि आप जैसे डीप में हैं और आप इसे कंटिन्यू खोदे चले जा रहे हैं और नीचे लावा निकल जाए और आपकी सारी मेन चीज़ें चली जाएँ। वैसे तो हर कोई जानता है। ओ वाओ डर्ट आ गई शायद अब डर्ट आई है तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्रिएट। हाथ से तोड़ देते हैं डर्ट को। चलो यहाँ पे हमने अब जितनी हमें डर्ट चाहिए थी हमने तोड़ दी नीचे जाने के लिए। ये अंदर घुसते हैं हम यहाँ से। यहाँ से एक दो ब्लॉक्स चलता है डर्ट्स का एक्स्ट्रा तो हम यहाँ पे थोड़ी बहुत डर्ट प्लेस कर देते हैं। ये हो गया हमारा एक रास्ता टाइप। अभी वीडियो इतनी सही चल रही है फिर भी हमें एक पीस ऑफ आयरन नहीं मिला है। एक भी मिल जाए तो कुछ बात बन जाए। ऐसा ड्रोन होना चाहिए था नाम का बकेट ड्रोन जिसके पास बकेट्स ही बकेट्स हो वो अपन को बकेट्स फेंक के मारता हो ऐसे भाड़ 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 सारी बकेट्स हमारे पास आ जाए। ऐसा कोई रिसोर्स नाम का ड्रोन होना चाहिए था लकी पर्सन को मिले। वैसे हम बहुत ज़्यादा लकी हैं इतने लकी कि हमें एक आयरन का पीस भी नहीं मिल रहा है। और अभी तक हम ढूंढे ही चले चले जा रहे हैं।
रे 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 बहुत ज्यादा लकी है गाइस, आपको दिख ही रहा है कि हम कितने लकी हैं। टॉर्चेस, हमारे रिसोर्स कम हुए चले जा रहे हैं खाने पीने के, हम जिंदा कैसे हैं अभी हमें ही पता है, हम मर के जिंदा हुए हैं वापस। वैसे इतनी जल्दी भूख किसको लगती है, आज सुबह से मैं कुछ नहीं खाऊंगा तो क्या मैं मर जाऊंगा। वाह, और ये पिकैक्स भी एकदम सही है, कुछ भी बनाना हो मतलब कुछ भी बनाना हो अपने क्राफ्टिंग टेबल में चले जाओ डायरेक्ट। मैं कल एक ड्रैगन को स्पॉन करना हो क्राफ्टिंग टेबल सर, कुछ तो मिलेगा यहाँ पे, कुछ भी नहीं मिल रहा है हमको तो, हमारा ये भी नहीं पता लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड क्या है, तो हमें डेट्रॉइट प्लेस कर देते हैं, ये प्लेस हो गया डेट्रॉइट। सो अब हम यहाँ प्ले हम प्लेस तो नहीं कर रहे अभी कुछ, बस एक भी पीस ऑफ आयरन मिल जाए मज़े आ जाएंगे। One piece of iron I am wanting, not hunting. अब तो हम तबाही भी नहीं मचा सकते, तबाही कैसे मचाएंगे, आयरन नहीं मिल रहा, फार्मिंग नहीं होगी, उन्हीं की फार्मिंग में जीना पड़ेगा। अरे यार चलो छोड़ो, अरे यार अब नहीं छोड़ेंगे भट, आलिया भट कर देंगे तेरा। अरे रे 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 यहाँ स्टोन पे स्टोन मिल रहा है, हम जरा सेटिंग में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमारा लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड क्या है, मतलब वाई लेवल क्या है, वो यहाँ का लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड होता है। शो कोऑर्डिनेट्स, ये हो गया हमारा शो कोऑर्डिनेट्स एक्टिवेट। अब हम यहाँ से चलते हैं यहाँ पे रिज्यूम टू गेम, और हम पहुँच चुके हैं 32। सो थोड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है यहाँ पे, 32 लेवल 64 से हम 32 तक आए हैं और अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। अब आप बोलेंगे 62 हमने अंदाज़ा कैसे लगा लिया, क्योंकि जो नॉर्मल होती है ना रेंज ऊपर से लेकर नीचे तक की वो 64 ही होता है, हम और भी देख लेंगे। कोऑर्डिनेट्स फिर तो जावा एडिशन में बहुत सही दिखते हैं कोऑर्डिनेट्स, जब चाहो देख सकते हैं सेटिंग में जाके। यहाँ पे हमारे पास टॉर्चेस की कमी नहीं है, खाना भी अभी हमारे पास फुल है, मतलब हमारी हेल्थ फुल है खाने वाली। सो अभी तक हम माइनिंग कर रहे हैं, अगर मेरी बस अब मेरा सबर की सीमा पार हो रही है। दो सेकेंड में ये क्या हो रहा है, हमें एक भी आयरन का पीस नहीं मिला है। अब अगर मैं दो लेयर और नीचे गया और मुझे आयरन का पीस नहीं मिलता तो मैं माइनिंग नहीं करूँगा। गाइस इतनी बुरी हालत है, क्या पता क्या होगा, तो भाग के ऊपर ही चलते हैं बस। अब हो गया यहाँ पे कितनी गहरी माइन बना ली है हमने, देखिए मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन तो मेरी किस्मत खुलेगी नहीं, मुझे ऑफलाइन ही देखना पड़ेगा करके थोड़ी सी अपनी कुटिया भी, मैं इस बार मतलब एक्सपेंड करके इस माइन को थोड़ा सा और शिफ्ट करूँगा, ऐसा शिफ्ट नहीं कि पूरी माइन को शिफ्ट कर दूँ, यहाँ पे पेड़ तो ऐसा ही रहेगा, सब ऐसा ही रहेगा, बस माइन ऐसा लगेगा थोड़ी सी शिफ्ट हो चुकी है। सो बस यहाँ से हम डबल गेट सिस्टम खोलते हैं अपना, जो मैं नेक्स्ट पार्ट में तोड़ दूंगा क्योंकि मुझे माइन के लिए भी शायद चाहिए रहेगा। सो यह गोलम कैद है हमारा, और इस विलेजर इसको देखते हैं, इससे ट्रेड करते हैं, देखते हैं हमारे पास वैसे भी एमरल्ड नाम की चीज़ नहीं है, ये शायद एमरल्ड में ट्रेड करते हैं, मुझे ऐसे सुनाई आया है, सही बोलेंगे एमरल्ड में ही ट्रेड करते हैं। क्या है इसकी पास, नाम क्या है इसका, नाम बता, फर्न, ये फर्न क्या होता है, ये तो अपन को ज़ॉम्बी को मारने से मिल जाता है, ये होगा स्लाइम बॉल, हाँ, और ये होगा ग्लोस्टोन, ये होगा कैक्टस, ये होगा शेल है कुछ, ये है फर्न पता नहीं क्या है ये, और ये है पैक्ड आइस करके कुछ, भाग गया क्या, तेरी पोल खोल दी ना इसलिए, ये तुम कुछ भी मतलब कितना महंगा बेच रहे, कोई आयरन का पीस भी नहीं मिल रहा, तो ये हमारा हो चुका है खेत, अब यहीं से तोड़ते हैं, इस हमें अपना हाथ खाली करना पड़ेगा वरना ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। तो हम हाथ यहाँ पे ये पूरा रख देते हैं, डेट्रॉइट किसी काम का नहीं है अभी, ये लिया अपने अपना हाथ, देखना
जो पूरा से पूरा बेकार हो चुका हो पूरी जमीन। तब हम विलेजर के इस पे जी रहे हैं। सही में भी गाइस फार्मिंग बहुत हार्ड है। आप बताइएगा कि आपने कितने दिनों में अपनी फार्मिंग चालू कर दी थी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अगर माइनक्राफ्ट खेलते हैं, आपको पता है माइनक्राफ्ट आप कैसे खेल सकते हैं, तो बताइएगा कि आपने अपना टोटल कितने दिनों में चालू कर दी थी। मेरा तीसरा दिन है आज, मैंने चालू नहीं कर पाया वाली माइनिंग, ये मतलब आज मेरा चौथा दिन है। तीसरा दिन तो कल ही अभी बीत ही गया मेरा। सो अभी तो हम विलेजर के इन पे जी रहे हैं, क्योंकि विलेजर बहुत कंजूस है, मैंने अंदर बंद कर चुके हैं और मेलन यहाँ तोड़ दिया हमने बाय मिस्टेकली। सो हमारे पास काफ़ी वीट आ चुके हैं, अब हमें सीड बाहर लाने पड़ेंगे अपने। ये सीड बाहर लाए और ये भी बाहर लाए। काफ़ी देखिए 33 वीट मिल चुके हैं और हमारे पास खुद के पास कुछ भी नहीं है, हाथ खाली, पूरा हाथ खाली है। ये हम लोन पे चल रहे हैं ऐसा लग रहा है, एक चाटा मारना चाहिए अपन को ही। एक आयरन ना ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि है ना मैंने आपने पिछली बार चेस्ट चेक करा तो उसमें अगर आयरन की बकेट मिल जाती ना सो आज तो तबाही मच जाती। सभी में भी ऐसी तबाही मचती। नेक्स्ट पार्ट में तो शायद ये मिल जाए और किस्मत अच्छी हो तो गोल्ड भी मिल सकता है, और किस्मत और अच्छी हो तो रेडस्टोन वेस्टोन भी मिल सकता है मुझे, और किस्मत अच्छी हुई तो शायद एक दो डायमंड भी मिल जाए मुझे, हो सकता है ऐसा जरूर। सो यहाँ पे लगे वैसे रात को फार्मिंग नहीं करने से, ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं माइनक्राफ्ट के कि रात को मॉब्स नाम के प्राणी निकलते हैं। सो रात को फार्मिंग नहीं करनी चाहिए। एज अगर आपका पर्सनल फार्म है घर के अंदर, यहाँ पे कुछ फार्म हाउस लोगों को शौक होता है तो पता नहीं, हमें ऐसा नहीं, हम अपने घर के मतलब माइनिंग हाउस के पीछे ही बनाएंगे। माइन हमने इसके अंदर बनाएंगे कि मॉब ना घुस जाए, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि हम नई माइन में जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और कभी कभार ऐसा भी होता है हमने हमारी माइन खोजी और हमारे पीछे पीछे ज़ॉम्बीज भी आ गए, अंदर घुस गए तो हमें घेरे में ले लेते हैं और फिर हमारा काम तमाम हो जाता है। बस मैंने तो एक माइन हाउस बनाया है और फार्म हाउस मैं नहीं बनाऊंगा गाइस। सो आज के एपिसोड में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे ऐसे ही रोमांचक वीडियो में। टिल देन गुड बाय।